एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब यह निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता, तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी, बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ। और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था, पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूं वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था, उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे। और फिर उसके अंदर से यह ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई।
धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं, और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। और फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके तूफान बन करके जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था, उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की, और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के कमरे से जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से जो एक था उसको अभी कुछ दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में खिड़की थी उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहां पर कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहां पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आकर के आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये सुन करके उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर कि दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया, उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी।
तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है, और वो बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, जब से मैं आई हूँ तब से तो ये काली दीवार यहाँ पर है। तब जा करके उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था, और उसने नर्स से पूछा अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से यहाँ पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिसयूज करते हो। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है, और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी, और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी, और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।